नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को असम से और एल मुरुगन को मध्य प्रदेश से उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि दोनों ही नेताओं को हाल ही में मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था। सर्बानंद सोनोवाल और एल मुरुगन को जब कैबिनेट में शामिल किया गया था तो वो संसद के सदस्य नहीं थे। ऐसे में उन्हें 6 महीने के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी। राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद दोनों ही नेता को संसद की सदस्यता मिल जाएगी। आपको बता दें कि सर्बानंद सोनोवाल को मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री तो वहीं एल मुरुगन को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। सोनोवाल कैबिनेट में शामिल किए जाने से पहले असम के मुख्यमंत्री थे, लेकिन वहां विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद सोनोवाल की जगह हिमंत बिस्व शर्मा को सीएम बना दिया गया था। आपको बता दें कि राज्यसभा की 7 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में बीजेपी के खाते में 2 सीट आएंगी। इन 7 सीटों में से 6 के लिए उपचुनाव होगा, जबकि पुदुचेरी की 1 सीट के लिए चुनाव होगा। जिन 6 सीटों के लिए उपचुनाव होगा उनमें तमिलनाडु की 2, पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की 1-1 सीटें शामिल हैं। 5 सीटों के लिए अलग अलग सांसदों के इस्तीफे से और 1 सीट कांग्रेस के राजीव सातव के निधन के बाद खाली हुई थी। इन सीटों पर 4 अक्टूबर को मतदान होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।